सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ओडा को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ओडा में आप सभी का वेलकम और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। तो आज हम बात करने वाले हैं लोअर चेस्ट के बाद जो फैट होता है उसके लिए मैं आपको आज टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिनको अगर आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, डेली जो आपकी जो एक्सरसाइज का वर्कआउट का रूटीन है उसके अंदर अगर वीक में 2 से 3 या 4 बार करोगे तो आपका जो नीचे लोअर फैट होता है चेस्ट के ऊपर वो आप आराम से घटा सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ वो एक्सरसाइज। सबसे पहली जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वो है डंबल पुल ओवर। इस तरीके से आपको किसी स्ट्रेट बेंच के ऊपर लेट जाना है, उसके बाद डंबल्स को अपने हाथों में पकड़ना है इस तरीके से जैसे मैंने पकड़ रखा है, और नाइस एंड स्लो नीचे डालने देना है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ये जो एक्सरसाइज पुल ओवर है ये आपके जो लोअर चेस्ट के फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और आप ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को जब लगाते हैं स्लो नीचे जाने दें, स्क्वीज कीजिए अपने लोअर चेस्ट की मसल्स को। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसके अंदर हाथ को बैंड कर देते हैं इस तरीके से नीचे जाते वक्त, और कुछ लोग क्या करते हैं इस तरीके से साथ में जो मूवमेंट करते हैं अदर बॉडी की, उसको लोअर बॉडी को आप बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए इसके अंदर, स्ट्रेट सीधी जाने दीजिए इस तरीके से, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस तरीके से। सेकेंड नंबर पे जो नंबर 2 पर हमारे एक्सरसाइज है वो है बेंच, उसके अंदर बेंच के ऊपर इस तरीके से बैठना है, जहाँ बैठे हो उसी सीट पर जस्ट पास में आपको हाथ से क्लोजली रखते हैं, ज़्यादा चिपकाने भी नहीं, ना तो ज़्यादा वाइडर रखने हैं, वाइड भी नहीं रखने। स्टूल पे आप अपने फुट रखेंगे इस तरीके से, डाउन इस तरीके से जाने देंगे, इससे आपका जो है लोअर चेस्ट है अच्छे तरीके से स्क्वीज होता है। आप स्लो जाने दे, कोशिश करें फास्ट ना करें इस चीज़ को, वापस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इस तरीके से करना है आपको, और ना तो आपको ज़्यादा इस चीज़ को फास्ट करना है इस तरीके से, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आपको फास्ट नहीं करना है, स्लो कोशिश करें, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसको स्लो लगाएं इस तरीके से। देखिए आप तो आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो अपने लेग के ऊपर, थाइस के ऊपर वेट भी रख सकते हैं इसको थोड़ा एडवांस बनाने के लिए, पर मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिगर वेट के लगाएं तो बेटर रहेगा, ज़्यादा हो सके आप 35, 30, 40 रेपिटेशन अगर लगाएंगे इसके, 4 to 5 अगर आप सेट लगाएंगे वीक में 2 से 3 बार तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे इस तरीके से। नंबर 3 पर जो अपनी एक्सरसाइज है 3 नंबर पर है वो है इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इसके अंदर इंक्लाइन डंबल फ्लाई लगाएंगे, ये जो है आपका अपर जो चेस्ट है उसके ऊपर वर्क करती है, इसके अंदर आपका इनर जो चेस्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट आएंगे आप अगर इस एक्सरसाइज को करोगे। फ्लाई जो भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज फ्लाई की होती है वो आपके इनर चेस्ट पर भी अच्छा इफेक्ट डालती है, और आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड कीजिए अपने रूटीन के अंदर इस तरीके से। और काफ़ी सारे पहले इस तरीके से लगाए तो हमने चेंज करके इसका जो है अल्टरनेट है, आपको इस तरीके से डंबल को रखने हैं, थोड़े रोटेट करके राउंड रखें और चेस्ट मसल ज्यादा स्ट्रेच होगी। कुछ नहीं होने वाला, लाइफ स्टाइल का जरूर ध्यान रखिए,
को 3 से 4 लगाने और जरूर ऐड कीजिए अपने वर्कआउट के अंदर। वीक में आपको 3 से 4 टाइम लगानी है एक्सरसाइज। नंबर 4 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन पुशअप्स। उसके लिए आपको किसी बेंच या स्टूल का सहारा लेना पड़ेगा, कोई या तो स्ट्रेट बेंच हो या कोई स्टूल हो, उसके ऊपर आपको इस तरीके से पुशअप लगाने हैं। कि बैक जो है इसके अंदर स्ट्रेट रहने की कोशिश करें, बैक को बेंड करने की कोशिश ना करें, इस तरीके से बैक स्ट्रेट करें और अप इस तरीके से लगाना है। ये भी आपके चेस्ट को, लोअर चेस्ट के जो फैट है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डिक्लाइन कोई भी एक्सरसाइज होती है वो आपकी लोअर चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। ध्यान रखिए आपके जो गेप ना हो, शोल्डर में इंजरीज हो, लगानी है। नंबर 5 पर जो हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, वो है क्रॉस पुलिंग केबल। यहां तक आपको लगाना है इस तरीके। रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को भी आप अपने ऐड कीजिए, इसके भी 3 से 4 आप सेट लगाइए, 25 या 20 के बीच में रेपिटेशन लगाइए अगर आपको लोअर चेस्ट का फैट रिड्यूस करना है तो। सो गाइस दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप इसके साथ में कार्डियो एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इन एक्सरसाइजों को आप वीक के अंदर 3 से 4 टाइम लगाए, 3 to 4 टाइम लगाइए आप इन एक्सरसाइजों को, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। आगे इस तरीके के हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MS Soda को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।